वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सेंधव दो हज़ार तेईस में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक, एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फ़िल्म थी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगोपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो कि एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये 2023 की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो ना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का का जो कि कोलोनों और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहार के एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ इस फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी मोहनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की जरूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की थी एस मानिकनंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सो पहले फ़िल्म को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी टूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और ये फिल्म बॉक्स पे एक जो कि डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और इसको उस टाइम पर नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और ये फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिद्दी सिद्दीकी विकास मलिक का, का, का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या सिम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जैन 2024 में और सिम को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह सिम को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिंप्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमियर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफार्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब यह फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस फिल्म को ऑफिशियली फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में

दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का कालो जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ इस फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा यानी मोन किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अभी यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोडोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में फिल्म को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी टूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इसम का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली बॉक्सेस के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक जो कि डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधाव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्दी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले करें आर्या इस फिल्म के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए दें शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले कर रही करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले कर रही है करिएिशु संगुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी इस फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर ये यह को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगू में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमाज के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को 23 जून रात के आठ बजे प्रीमियर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफार्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस एम से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसको ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस इनको ऑफिशियली फ्रीली इस इनको वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सैनद को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की में बात करने जा रहा हूँ सैनदव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैन 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म थी और फिल्म ने हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंद की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलगू लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था थाारंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धाशंद यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फ़िल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वें ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में सो संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पोक्सेस के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पे नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो वो का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रिनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मिथ्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस को रिलीज़ करवाया था तेरह जन 2024 में और इस को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें चूके डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैप दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमाज़ के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली सिम को प्रीमियर वगैरह है नो कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और इसको तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमर सिम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सिम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इसमें सेलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस को ऑफिशियली फ्रीली इसम को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में

दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सेंधअब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का कालो जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रिया चैरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे के जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यह यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोडोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सो पहले से को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इस फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी टूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का 55 करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स के ऊपर 25 करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और ये फिल्म बॉक्स पर एक जो कि डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और सिम को उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और ये फिल्म बॉक्सेस पर नहीं चल पाए और ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अफला फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंदव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जन्मस इस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले करिएिशु गुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मिथ्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन 2024 में और इस फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया होता और इस फिल्म को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस यह फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमाज़ के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिंप्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे इस फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब यह फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफार्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस एम से लेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसको ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके सिम को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैंधव को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को भी, भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैंधव 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और सीमें हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगोपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का कालो जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो, तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सेंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैनदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मौ स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इस फिल्म को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइली पॉक्स के ऊपर 25 करोड़ का कलेक्शन किया यानी 25 करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर आ जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो वो का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रहे हैं रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले कर रही है आंड्रिया जर्मस के अंदर जासमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघ गुप्ता इसम के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्वाम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और इस फ़िल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और इस हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद सीम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली इस फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमियर इसम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इसम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो सम का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इसमें से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैंधव को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की स्टुडियो में बात करने जा रहा हूँ सैंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैंधव 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और फिल्म ने हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगोपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंध्य की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नार के एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास जरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सेंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मौ स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सीमोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले से को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इसम को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पोक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्सेस पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो वैधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिद्ध सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रिनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संंगुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और इस को संक्रांति इस इस के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें चूके डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वग़ैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैप दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली इस फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना को कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमियर सिम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सिम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फ़िल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इसमें से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप सुने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली इसम को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके इस को जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सैंदा को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सेंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सेंधव 2023 में जो कि एक तेलगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक, एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फ़िल्म थी और फिल्म ने हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो कि एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये 2023 की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश जो कि कोलोनों और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहार के एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास जेरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ इस फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है एक जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे स्टोरी मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सीमाटोग्राफी की थी एस मानिकनंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इसको रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सो पहले फिल्म को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इस फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी ड्यूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली बॉक्स के ऊपर 25 करोड़ का कलेक्शन किया यानी 25 करोड़ का और ये फिल्म बॉक्स पे एक जो कि डिजास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्स पे एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और सिम को उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और ये फिल्म बॉक्सेस पर नहीं चल पाए और ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अफला फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंदव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले करिए जिसु गुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन 2024 तो हज़ार चौबीस में और इस को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह सीम को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति देंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिंप्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और इसको 23 जून रात के आठ बजे प्रीमर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब यह फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफार्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से लेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली इसम को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके इसम को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैनद को इंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की में बात करने जा रहा हूँ सैन मूवी के बारे में जी हाँ सो सैनद 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और सीमें हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सेंधअ की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो के एक जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शांति यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इसको संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्सेस के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये पे फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेज पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्दी सिद्दीकी विकास मलिक का, का, का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले कर रही करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले कर रही है जिसु संगु गुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फिल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफार्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद फिल्म के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है नो कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और को 23 जून रात के आठ बजे प्रीमियर सिम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सिम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस एम से लेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इस को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस को ऑफिशियली फ्रीली इस को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में

दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सेंधअ की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहार का एंटरटेनमेंट के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और शे श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि सिंह के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ सिंह के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है एक जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि सिम के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ उनके अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सीमोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सो पहले सिम को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में सिम को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो 138 मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इसम का 55 करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पोक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का, का, का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या सिम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिएसुसंग्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मिथ्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो है फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इसम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस को रिलीज़ करवाया था तेरह जैन 2024 में और को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को खरीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने फिल्म के राइट्स वगैरह ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पे ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी के थ्रू इस फिल्म के जो टीवी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैक्ट 2024 में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे इस फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस एम से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली इसम को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैंधव को इंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैंधव 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और फिल्म हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदव्य की बात करें तो ये में 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहां पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहारी का एंटरटेनमेंट के थ्रू और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियाज चेयरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ उनके अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोडोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सो पहले को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट फिल्म का 55 करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो अजुके डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो यह फिल्म बॉक्सेज पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्सेस पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का, का, का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रिनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले करिए जिसु फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि को रिलीज़ करवाया था तेरह जन में और चौबीस को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिंप्लेक्स वाले उन्हें खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और इसको 23 जून रात के आठ बजे इस फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप सुने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली इस को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके सिम को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैनद को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैनदव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैनधव दो में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म थी और सीमें हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंद की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहारी का एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मौ स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में, में इस फिल्म को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी टूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्सेस के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स पर एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का, का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले कर रही है जिसु संघु गुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्वान जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह का ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी इस फिल्म को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली इस फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को 23 जून रात के आठ बजे प्रीमियर सिम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सिम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो सम का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी सिम को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप इसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली इस को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैंधव को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की में बात करने जा रहा हूँ सैंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैंधव दो में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और फिल्म हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंद की बात करें तो ये में 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहार का एंटरटेनमेंट के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और शे श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ उनके अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले सिम को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में सिम को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इसम का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पे नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंदव का, का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले कर रहे हैं आर्या सिंह के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई हैं श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रिनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु गुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मिथ्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जैन 2024 में और इस फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैक्ट दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमाज़ के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली इस फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमर सिम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सिम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओटीटी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी सिम को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इसमें से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली इसम को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैनद को इंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैन मूवी के बारे में जी हाँ सो सैन 2023 दो हजार तेईस में जो कि एक तेलगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और फिल्म ने हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सेंधअ की बात करें तो ये में 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का कालो जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास जरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो, तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोडोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सो पहले को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इस फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी ड्यूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का 55 करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का, का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले करें हैं आर्या सिम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जैन 2024 में और इस फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस फिल्म को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें चूके डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह का ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमाज़ के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिंप्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को 23 जून रात के आठ बजे प्रीमियर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफार्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब यह फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैंधव को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैंधव 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म थी और फिल्म हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहारी का एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियाज चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ इस फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंडव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंध यानी मोन किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोडोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले से को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में फिल्म को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ड्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो तो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पे नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्दी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले कर करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले कर रही है जिसु संघुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पे एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पे एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी इस फिल्म को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली इस फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को 23 जून रात के आठ बजे प्रीमियर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफार्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसको ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इनको ऑफिशियली फ्रीली इस इनको वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सैनद को इंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की में बात करने जा रहा हूँ सैनदव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैनद दो हजार तेईस में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और फिल्म हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया चारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंद की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था निहार का एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और शे श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि सिम के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ सिम के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि सिम के इस अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इसम को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी टूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इसम का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली बॉक्सेस के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पे नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रिनू का रो प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्वान जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इसम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जैन 2024 हज़ार चौबीस में और इस को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस यह फ़िल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगू में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैप दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि रानापति डेंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली इस सो प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और इसको 23 जून रात के आठ बजे प्रीमर सिम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओटीटी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके कर फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिनप्लेक्स के टीवी चैनल पर और को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्री प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसको ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस को ऑफिशियली फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी सेलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिसली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके इस फिल्म को जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सेंधव को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सेंधव मूवी के बारे में जिया सो सैंडव दो हज़ार तेईस में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक, एक एक्शन थ्रिलर जौना की फ़िल्म थी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो कि एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंद की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये 2023 की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नार के के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और शे श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ इस फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है एक जो कि एक यानी सैंदव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की जरूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की थी एस मानिकनंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सो पहले फ़िल्म को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का जो रनिंग टाइम यानी टूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और ये फिल्म बॉक्स पे एक जो कि डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और इसको उस टाइम पर नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और ये फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और ये फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्दी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले कर रहे हैं गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जैन 2024 हज़ार चौबीस में और सिम को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस फिल्म को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह इस फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो तो कलर सिंप्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमियर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ जीयासिन टी टी प्लेटफार्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब यह फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इस को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस को ऑफिशियली फ्रीली इस को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके सो जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सैनद को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैन मूवी के बारे में जी हाँ सो सैन 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगोपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश कॉलो का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो, तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फ़िल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सेंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैनव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा मोन मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में इसम सिन्ग को संक्रांति 2024 में रिलीज़ तो करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फ़िल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले करें हैं आर्या सिम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस फिल्म के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिएिशु संगुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्वाम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और इस फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और हिंदी तो में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस फ़िल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फ़िल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफार्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वग़ैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिमाज के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली इस को प्रीमियर वगैरह है नो कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और को 23 जून रात के आठ बजे प्रीमियर को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद सिम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इसम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इसमें से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिनप्लेक्स के टी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस फिल्म को ऑफिशियली फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहां पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में

दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदव्य की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि स्पोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियाज चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी मोनकिया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ उनके अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा कुछ दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सो पहले सीम को दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में सिम को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट सिम का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पोक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्कि सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दें श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जर्मस इसम के अंदर जैसमिन का रोल प्ले करिए जिसु संगुप्ता इसम के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्वाम जो कि विस्वाम मिथ्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इसम के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन 2024 में और को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर यह को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो कि डिजिटल राइट्स यानी ओ टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने फिल्म के राइट्स वगैरह ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी के थ्रू इस फिल्म के जो टी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैब दो में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इसम के हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिंप्लेक्स वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमाज़ के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली इस को प्रीमियर वगैरह है ना कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और इसको 23 जून रात के आठ बजे प्रीमर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफार्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टीवी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसको ऑफिशली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके इस को ऑफिशली फ्रीली इस को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशियली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके को जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सैनद को इंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैन मूवी के बारे में जी हाँ सो सैनधव 2023 में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म थी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगुपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सेंधअब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का कालो जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रिया चेयरमिन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सेंधव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूंकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैंदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे मो स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर फिल्म की सिलोडोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का एंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 में जी हाँ सौ पहले सिमको दिसंबर 22 में 2023 में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में फिल्म को संक्रांति 2024 में रिलीज़ करवाया होता इस का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट सिम का 55 करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइडली पॉक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव करोड़ का कलेक्शन किया यानी पच्चीस करोड़ का और यह फिल्म बॉक्सेस पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो सैंधव का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिद्दी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, प्ले, प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शंत मोंगिया का रोल प्ले कर रही है रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले करिए आंड्रिया जन्मस इस फिल्म के अंदर जैसमी का रोल प्ले करिएिशु गुप्ता इस फिल्म के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्माम जो कि विस्वाम मिथ्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मूर्ति का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन 2024 में और इस फिल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया था और इस फिल्म को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस यह फिल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी हाँ सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी ख़रीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर सिम्प्लेक्स वालों ने खरीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि वें रानापति दंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी पर भी फिल्म को रिलीज़ करवाया गया है तो ये फाइनली फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिंप्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमियर फिल्म को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब यह फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद फिल्म को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी टी प्लेटफार्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली इस फिल्म को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो इस फिल्म का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पर आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इस एम से लेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि अब बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और सिम को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद इसको ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं क्यों कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अननोन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके इसम को जियो सिनेमा यहाँ के ऊपर फिल्म यानी सैंधव को इंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करो वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सैंधव मूवी के बारे में जी हाँ सो सैंधव दो हज़ार तेईस में जो कि एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और एक एक्शन थ्रिलर जोरा की फिल्म थी और इसमें हमें लीड कास्ट में देखने को मिले थे दगोपति वेंकटेश और यहाँ पर रूहानी शर्मा जो के आ, एंट्रिया जारमिया और यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं शरदा श्रंथ है, है आर्या है और यहाँ पर जिसुस गुप्ता और भी काफ़ी सारी सपोर्टिंग कास्ट है जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाती है सैंदब की बात करें तो ये 2023 में जो कि रिलीज़ हुई थी इस फिल्म को 22 दिसंबर 2023 में रिलीज़ करवाया गया था और ये तेज़ की जो कि इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी और फिल्म का जो होना था एक्शन थ्रिलर और फिल्म को राइट और डायरेक्ट किया हुआ था शैलेश का कालो जो कि कोलोनो ने और यहाँ पर फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था नहार एंटरटेनमेंट्स के थ्रू और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना लीड कास्ट में वेंकटेश देखने को मिले हैं और यहाँ पर जो कि सपोर्टिंग रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं आर्या है और श्री श्रद्धा शांत है रूहानी शर्मा है एंड्रियास चेयरमैन है और यहाँ पर बेबी सारा भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिली हैं तो यहाँ पर बता चुका हूँ जो कि इस फिल्म के बारे में अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ फिल्म के प्लॉट यानी स्टोरी के बारे में तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि एक यानी सैंधव की स्टोरी को और यहाँ पर वो कैसे जो कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो ये यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि सैंदव एक गैंगस्टर थे और वो यहाँ पर जो कि बैक स्टोरी तो बाद में चलती है पहले यहाँ पर दिखाया जाता है चूँकि शुरुआत में यानी यहाँ पर स्टोरी चलती है और यहाँ पर जो कि सैनदव की एक बेटी को दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पर जो कि लव स्टोरी चलती है उसके बाद यहाँ पर जो कि श्रद्धा शंद यानी किया के साथ उनकी जो कि यहाँ पर शादी वगैरह हो जाती है तो यहाँ पर आगे स्टोरी मोड़ लेती है उसकी बेटी जो कि बीमार हो जाती है तो उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे सात सात करोड़ की ज़रूरत है जो कि वो सात करोड़ का इंजेक्शन मिलता है और उसके बाद उसको वो कैसे पाता है उसके लिए वो सारा कुछ के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर एक्शन सीन्स भी काफ़ी अच्छे रखे गए हैं तो ओवरऑल ये स्टोरी है उसके बाद यहाँ पर इंजेक्शन वो कैसे लेते हैं और अपनी बेटी को भी कैसे बचाते हैं वो सारा को दिखाया जाता है और फ्लैशबैक की स्टोरी को भी दिखाया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अब यहाँ पर जो कि डायरेक्ट की तो जैसे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट किया है सैलेश तो ने और स्टोरी को भी लिखा है सैलेश कनूल ने और यहाँ पर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था वेंकट बोया नापाली ने और यहाँ पर इस फिल्म की सिलोटोग्राफी की थी एस कन्नंदन ने और यहाँ पर एडिट किया हुआ था गैरी बी ने और यहाँ पर म्यूज़िक दिया हुआ था संतोष नारायण ने संतोष नारायण का म्यूज़िक तो वैसे काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी थी निहारी का इंटरटेनमेंट और इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था तेरह जन 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर में जी हाँ सौ पहले फिल्म को दिसंबर बाईस में दो हज़ार तेईस में रिलीज़ करवाया जाने वाला था लेकिन बाद में, में इस फिल्म को संक्रांति दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया होता इस फिल्म का यह जो रनिंग टाइम यानी ट्यूरेशन वगैरह था वो एक सौ अड़तीस मिनट था और ये एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचपन करोड़ था और फिल्म ने जो कि वर्ल्ड वाइली पॉक्स के ऊपर 25 करोड़ का कलेक्शन किया यानी 25 करोड़ का और यह फिल्म बॉक्स पे एक जो के डिज़ास्टर और फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी जी हाँ सो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी और उनको उस टाइम पर नगेटिव रिव्यूस मिले हुए थे और यह फिल्म बॉक्स पर नहीं चल पाए और यह फिल्म बॉक्सेस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट वगैरह के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर है जो वेंकटेश है ना वो वो का रोल प्ले करते दिखाई दिए हैं नवाजुद्दीन सिक्किदी सिद्दीकी विकास मलिक का रोल प्ले, 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 प्ले कर रहे हैं आर्या इसम के अंदर मन्नास का रोल प्ले करते दिखाई दिए श्रद्धा शांत मोंगिया का रोल प्ले कर रहे हैं रोहानी शर्मा डॉक्टर रीनू का रोल प्ले कर रही है आंड्रिया जर्मस के अंदर जासमिन का रोल प्ले करिए जिसु संघ गुप्ता इसम के अंदर माइकल का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर मुकेश ऋषि विस्वाम जो कि विस्वाम मित्रा का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जयप्रकाश मोती का रोल प्ले करें गेट ऑफ सिनू भी इस फिल्म के अंदर रमेश का रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए हैं तो ये सारी कास्ट वगैरह जो इस फिल्म के अंदर अपना अपना रोल प्ले किए हुए हैं उसके बाद यहाँ पर आगे हम इस फिल्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो कि इस फिल्म को रिलीज़ करवाया था तेरह जन दो हज़ार चौबीस में और इस फ़िल्म को संक्रांति के फेस्टिवल के तौर पर रिलीज़ करवाया हुआ था और इस को हिंदी में भी डब करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म तमिल में भी डब हुई थी तो यहाँ पर इस यह फ़िल्म को काफ़ी अच्छा जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिला और यह फिल्म बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्म साबित हुई थी और फिल्म को जो कि फ्लॉप रिस्पॉन्स मिला हुआ था और ये फ़िल्म बॉक्स पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी तो उसके बाद यहाँ पर आप बात कर लें जो डिजिटल राइट्स यानी ओ टी टी प्लेटफार्म की तो यहाँ पर बता दूँ फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था जो कि प्राइम वीडियो ने जी सो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के राइट्स वगैरह को ख़रीदा हुआ था तो वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि तमिल तेलुगु में भी आ चुकी थी और ई टी वी रिस्पेंट्स के थ्रू इस फिल्म के जो टी वी राइट्स भी खरीदे हुए थे तो इन फैब दो हज़ार चौबीस में इस फिल्म को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया हुआ था वहाँ पर ये फ़िल्म जो कि हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई थी तो उसके बाद इस इसके हिंदी राइट्स वगैरह जो थे ना वो जो कि कलर वालों ने ख़रीदे हुए थे तो कलर सिम्प्लेक्स ने जो कि यहाँ पर जो डबिंग वगैरह है ना यहाँ पर जो कि रानापति डेंगू जो कि वेंकटेश की डबिंग को चेंज किया हुआ था और यहाँ पर वॉइस वगैरह को तो यहाँ पर जियो सिनेमास के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को रिलीज करवाया गया है तो ये फाइनली इस फिल्म को प्रीमियर वगैरह है ना गो कलर सिम्प्लेक्स वालों ने अपने चैनल पर प्रीमियर करवा चुके हैं और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे प्रीमियर इसम को करवाया गया था उसके बाद यहाँ पर सिम को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है जी हाँ जो जब ये फिल्म जो कि वहाँ पर प्रीमियर हुई उसके बाद इसम को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया गया है जो कि जियो सिनेमा की ओ टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर आप दोस्त जाके फ्रीली सिम को वॉच कर सकते हो अगर आप दोस्त देखना चाहते हो सम का वेट कर रहे थे तो ये फिल्म वहाँ पे आपको फ्रीली देखने को मिल जाएगी बात करें यूट्यूब वगैरह की तो अभी इस को यूट्यूब पर कभी जो कि ऑफिशियली रिलीज़ नहीं करवाया जाने वाला जब इन फ्यूचर ये फिल्म यूट्यूब पर भी आती है या इसमें से रिलेटेड जो भी अनऑट चीज़ें होंगी या फैक्ट्स होंगे वो भी इस चैनल पर जो कि आप बताए जाएंगे तो अगर आप उसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें और फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म यानी सेंधा मूवी अब ऑफिशियली प्रीमियर हो चुकी है कला सिंप्लेक्स के टी वी चैनल पर और फिल्म को तेईस जून रात के आठ बजे कला सिनप्लेक्स के टी वी चैनल पर भी प्रीमियर करवाया जा चुका है उसके बाद यहाँ पर बात करें तो इसके बाद को ऑफिशियली जो कि जियो सिनेमा के ओ टी टी प्लेटफॉर्म यानी जियो सिनेमा पर भी रिलीज करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त वेट कर रहे थे तो वहाँ पर जाके को ऑफिशियली फ्रीली को वॉच कर सकते हो और वीडियो को भी लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनमें आपको मूवी से रिलेटेड अन नाउन फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है मूवी का रिव्यू किया जाता है और यहाँ पर मूवी के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपडेट दी जाती है और साथ ही मूवी के बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म ऑफिशली कहाँ पर अवेलेबल है तो जाके इस को जियो सिनेमा के ऊपर फिल्म यानी सैंदा को एंजॉय करो और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक और शेयर करो